कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार पीसी बैरवा जी, हमारी एआईसीसी की जो प्रभारी हैं राजस्थान की, संघर्षशील हमारी बहन पूनम पासवान जी, हमारे लोकसभा के सांसद पराई मीणा जी और रामलाल कोट साहब। कोट साहब भी बहुत लंबे अरसे से अध्यक्ष हैं, मैं पूछ रहा था कितने साल हो गए, राम जलाल को पद छोड़ने को तैयार नहीं है, कितने सालों से अध्यक्ष हैं। मुझे भी चुनाव लड़वा दिया, मुरारी जी को लड़वा दिया और पीसी जी को लड़वा दिया। हमारी बहन ममता भूपेश जी, रफी खान साहब, खटाना जी, इंद्राज जी, शर्मा जी और सभी ओम प्रकाश होल्डा जी, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, 13 तारीख को चुनाव होगा और सभी लोगों ने आपको विस्तार से बताया क्या पृष्ठभूमि रही। आज उपचुनाव में उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, बाकी 2-4-5 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नज़र है और उपचुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है। अब 4 साल तक राज बीजेपी का रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव में अगर हम जिन लोगों को सत्ता दिए थे साल भर पहले, उन लोगों की जवाबदेही तय करनी है। आज जो किसान पर संकट है, खाद का, डीएपी का, बिजली का, बीज का, हम सब जानते हैं, फसल का टाइम है, हम सब जानते हैं किन दिक्कतों का सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है, उसका जवाब अगर चाहिए, जवाबदेही तय करनी है, सरकार को आईना दिखाना है, तो ये उपचुनाव हम लोगों को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कई जगह चुनाव है लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सांसद मुरारी मीणा जी का कि इन्होंने सबसे सलाह कर, और हकीकत ये है कि राष्ट्रीय पार्टी में सबसे चर्चा कर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, फीडबैक होता है, सर्वे होता है, सब कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी को ऐसा एहसास हुआ कि कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने पीढ़ियों से, सदियों से पार्टी की सेवा करी है, वो एक गरीब घर में जन्म हुआ जरूर, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा, और मुझे तो इनके स्वर्गीय पिताजी का अच्छी तरह याद है, बचपन से उनको मैं देखता था, पार्टी के लिए थे तो किसी, वो भी कड़क ही थे, कम नहीं थे वो, भी जो बात बोल दी तो बोल दी, लेकिन मैंने पीसी जी को देखा है, परिवार को देखा है, प्रधान आप लोगों ने बनाया, आपके बीच में काम किया, और आज कुंडल में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इसको देखकर मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि यहाँ कोई कितनी ताकत लगा दे, सत्ता का, प्रशासन का, पुलिस का, धनबल का, और पता नहीं कितने मंत्री संतरी गली गली वार्डों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, समाज के अलग अलग नेताओं को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दौसा को जो मैं जानता हूँ, आप सब लोग समझदार लोग हो और पूनम जी यहाँ के जो एक एक लोग बैठे हैं, ये सब राजनीति के पीएचडी होल्डर हैं सारे, इनमें से जितने मंच पर हैं उससे अधिक ये सारे डबल पीएचडी, इनको पूरा बुढ़ा भाग राजनीति, किसका हल्का सा धोती खींचनी है, किसको धक्का देना है, किसको पद पे बिठाना है, किसको पद पे बिठा के भी पकड़ के रखना है, किसको ताकत देनी है, किसको भविष्य का रखना है, किसको वर्तमान में, पूरा तराजू तामा धामा पूरा एक उन्नत बिलों को अच्छी तरह जानते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब कांग्रेस का सरकार का शासन हम लोगों का रहा, मुरारी जी को मौका आप लोगों ने दिया, तो लवान हो, कुंडल हो, सैथल हो, हर जगह हमारी सरकार ने क्षेत्र में काम किया। और ये बात आप तुलना कर लीजिए, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है तब दौसा जिले में, दौसा जिले की जो विधायक होते हैं ममता जी, मंत्री कैबिनेट के बनकर, दौसा जिले के जनप्रतिनिधियों को जो मान सम्मान कांग्रेस सरकार में मिलता है वो बीजेपी कभी देती नहीं है, और अब भी जो दिया है वो भी आधा दिया हुआ है, आप समझ लें, फिर मान सम्मान देने में क्या किसी का कम होती है, आपको कुछ खर्चा नहीं है, कोई मान सम्मान देने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े इस शासन में, वो सरकार फिर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती, और राजनीति और जनप्रतिनिधि भावनाओं पर जीते हैं, पद पोस्ट तो आते जाते रहते हैं, कोई बर्खास्त कर दे, कोई इस्तीफा दे दे, कोई हट जाए, कोई भाग जाए, पदों की कोई गिनती नहीं है, मान सम्मान जनता के अंदर एक विश्वास कायम होता है, और अगर मान सम्मान नहीं है तो फिर पद लेके भी कोई पूछता नहीं है,
जिंदाबाद। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है आपके बीच में, बचपन से लेके आज तक, अच्छा समय बुरा समय, विपक्ष का, सत्ता का, संघर्ष का, पद का, बिना पद का, जीत का, हार का, मैंने सारे रंग देखे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई पद हो ना हो, लेकिन जनता के दिलों में, जनता के जज्बातों पर जिसका जो राज होता है वही नेता मानते हैं। और आज मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा कोई झगड़ा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, और ये चुनाव किसी एक जाति दूसरी जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, दो दलों का चुनाव है, और इस बात का चुनाव है कि कौन बेहतर इस दौसा की सेवा कर सकता है। और मैं आपको आज यहाँ पर मेरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, मंच पे जो यहाँ सब लोग बैठे हैं उन सब की तरफ से आपको डीसी बैरवा जी की जमानत देने के लिए आया हूँ कि ये जीतने के बाद हम सबको, आप सबको बराबर का मान सम्मान देकर आगे काम करेंगे। पूनम जी, जब टिकट वितरण हो गया तो डीसी जी बहुत पहले जानता हूँ मैं, लेकिन एक बात मैं नहीं जानता था, इनका नाम दीनदयाल है, ये लिखते डीसी। मैंने कहा भाई ये सी का मतलब क्या है, जो नाम है दीनदयाल, तो मैंने कहा उसमें चंद है, चौधरी है, या कुछ तो होगा सी के नाम पे, के साहब मेरे पिताजी मुझे डीसी बोलते थे। अब मुझे पता पड़ा जो चुनाव प्रचार में लोगों में देख रहा हूँ, और ये बात मुरारी जी बता रहे थे, मैंने कहा भाई ये डीसी का सी क्या है, के साहब ये करंट वाला डी से डायरेक्ट करंट, जो तारों में है छुएगा तो फिर झटका मजे से मिलता है। तो इसलिए एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसने हमेशा पार्टी का साथ दिया, जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिन्होंने कभी भी अपने दामन पर छींटे नहीं पड़ने दिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग अगर ताकत देते हैं तो उससे हमारे दल को, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, हम सबको, हमारे हाथों में ताकत आती है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, डीसी बैरवा जी के विधायक बनने से किसी का पद आने जाने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है परमानेंट और हो जाए पद। भाई 100 तरह के समीकरण होते हैं, और बीजेपी किसको रखती है नहीं रखती है, टिकट किसको देती है, किसको पद देती है नहीं देती, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो काम मुरारी जी ने किया, मुझे मौका मिला, मैंने भी यहां 5 साल सेवा करी बहुत साल पहले, और प्रदेश में भी जब भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, दौसा का नाम हमेशा आगे रहा, और कांग्रेस पार्टी का झंडा आपने हमेशा बुलंद किया है, मैं उसके लिए आपका हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा, साधुवाद देता रहूंगा। लेकिन 13 तारीख को, 12 तारीख को बड़ा साया है, बहुत शादियां, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमको अपना मतदान करना है, जरूरी कन्यादान भी है, लेकिन 13 तारीख का जो मतदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वोट की कीमत है। और 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि पूरा जो चुनाव है वो कोई एक व्यक्ति, एक समाज नहीं लड़ सकता, सबको मिलकर लड़ना पड़ता है। और आजकल आप जानते हो हर एक बूथ की गिनती अलग अलग होती है, और तो पता नहीं 2 साल बाद पर्ची बनवा हो जाएगा, चर्चा पढ़ता हूँ अखबार में, कब क्या हो, ये सीट पहले आरक्षित नहीं थी, हम लोग चुनाव लड़ते थे यहाँ से लोकसभा के, लेकिन अब परिचय हो गया, समीकरण बदल गए, लेकिन यहाँ का लगाव, यहाँ का जुड़ाव, आप लोगों का स्नेह हमेशा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एक ताकत और संबल देने का मेरे को काम करता है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आज मैं सुबह से इस क्षेत्र में हूँ, और जो लोगों के चेहरों पर मैं देख रहा हूँ, मुझे कहने में ये अतिशोक्ति नहीं है कि दौसा विधानसभा क्षेत्र का जो परिणाम आएगा वो मुझे लगता है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बटों से यहाँ से डीसी बैरवा चुनाव जीत कर जाएंगे। और जीतने के बाद जैसा पंडित जी बोल रहे थे, पंडित जी कह रहे थे कि आना पड़ा, पर एडवांस बुकिंग पहले कर रहे थे, अभी तो बहुत दूर है, 4 साल बाद चुनाव होगा, लेकिन भविष्य को हमें देखना पड़ेगा। और आप, हम जानते हैं जो जिस तरह का काम ही सरकार बीजेपी की कर रही है, इनका भी यहाँ जाना तय है 4 साल के बाद, दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी 4 साल बाद, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसका हम लोगों को आज नींव रखनी है। दौसा से हम चुनाव जीत कर जाएंगे, सारे उप चुनाव जीत कर जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का एक परचम फैलाएगा और हम सब लोगों को ताकत मिलेगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि 13 तारीख को 2 नंबर पर डीसी जी का नाम है, हाथ का बटन दबाकर भारी बहुमत से बैरवा जी को अपना विधायक बनाकर भेजो, ताकि अपने साथ विधानसभा में बिठा कर रखूं, और आपको काम करने के लिए, आपकी वकालत करने के लिए एक डीसी बैरवा मिलेंगे, मैं मिलूंगा आपको आपके क्षेत्र के लिए। और प्रतीक खान जी बैठे हमारे विधायक, वो कह रहे
भाई ये सारे लोग तो मेरे घर आते चाय पीने के लिए जयपुर में, आपके बंगले का नियंत्रण दे रहा हूँ लोगों को भाई। रफी खान साहब का भी घर खुला है, जब भी आप लोग जाओ चाय पीने के लिए जयपुर में, सबको चाय का न्योता। लेकिन सब लोग जाने से पहले दोनों आप खड़े करो और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का जयकारा लगाना है। कांग्रेस पार्टी पीछे वाले नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी ये जयपुर वालों को सुनना चाहिए कि एक कुंडल से आ जाइए कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। राम राम साहब।